दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन. एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th. कल्याणीपुरा के कृपाल नगर में पहली बार जब मैं नगर परिषद की सभापति थी तब यहां हम बल्लियों पर लाइटें लगाने आए थे. हमारे जगदीश जी मीणा या हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक के नाते से काम करते थे और ये मुझे बार बार बुला के लाते थे. अभी ट्यूबलाइट लगाने से लेकर के ट्यूबलाइट लगी बल्लियों पर और उसके बाद में फिर खंभे लगे, खंभों पर फिर ट्यूबलाइट लगी, फिर बोला कि हमारे पानी का निकास नहीं है तो नालियां बनी, फिर सड़क बनी और नालियां और सड़कें बनने के बाद में अब इस डालमल माथुर कॉलोनी के मार्ग को कल्याणीपुरा के मार्ग से जोड़ने के लिए एक नया वैकल्पिक मार्ग इस कॉलोनी के लिए मेरी अथक मेहनत से निकला है. मैं अजमेर विकास प्राधिकरण के हमारे तत्कालीन अध्यक्ष को भी धन्यवाद देती हूँ कि जब इस पूरे क्षेत्र में बिजली की समस्या को ध्यान में रखते हुए ADA द्वारा यहाँ GSS बनाने के लिए जमीन आवंटित हुई तो GSS भी बना और बिजली की समस्या का भी समाधान हुआ. लगभग 3.25 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ GSS बना था और ये भी मेरे द्वारा ही बनाया गया ताकि बिजली की ट्रिपिंग की समस्या का समाधान हो जाए. और जब ये लैंड भूमि ADA द्वारा GSS के निर्माण के लिए आवंटित हुई उस समय मैंने ADA के अधिकारियों को निवेदन किया कि यदि इसके साथ लगती हुई पूरी भूमि रास्ते का मार्ग दर्शाते हुए छोड़ दी जाए तो रास्ता निर्माण के लिए जो भी लागत आएगी उसका निर्माण मैं स्वयं अपने विधायक कोटे से कराऊंगी. मेरे आग्रह पर ADA द्वारा तत्कालीन अध्यक्ष महोदय द्वारा ये मार्ग छोड़ा गया. आज भी ये ADA का ही मार्ग है, ये नगर निगम का मार्ग नहीं है और ADA द्वारा ये मार्ग छोड़ा गया जिसका निर्माण कार्य आज हम कर रहे हैं. इसका निर्माण कार्य पूरा होने से डालमल माथुर कॉलोनी और कल्याणीपुरा का मार्ग सीधे सीधे कनेक्ट हो जाएगा और ये बहुत चौड़ा मार्ग है. तो जो हमारा कृपाल नगर का बहुत सकड़ा मार्ग कभी जमाने में किसी जमाने में किसी के द्वारा प्लॉटिंग हो गई और 10 फुट की रोड छोड़ी गई, आज बहुत परेशानी में कोई एम्बुलेंस को लाना चाहे तो नहीं निकाल सकते. तो अब इनके लिए सुविधा ये हो जाएगी कि ये नया और चौड़ा मार्ग इनको मिल जाएगा जिससे दोनों रोड के लोग कनेक्ट हो जाएंगे और कभी भी किसी परेशानी में जब जल्दी निकलना हो तो निकल सकते हैं. इसके लिए मैंने 12,70,000 रुपये स्वीकृत किए हैं जब से विधायक बनी हूँ. मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो सड़क देख रहे हैं कृपाल नगर की ये भी मेरे विधायक कोष से बनी है, नालियाँ भी तब मेरे विधायक कोष से बनी थी और वो दानवल माथुर कॉलोनी की भी सड़क बनी है. ये कल्याणीपुरा मार्ग के सारे अतिक्रमण हटाने के बाद में ये रोड भी मेरे द्वारा बनाई गई और ये GSS भी मेरे द्वारा बनाया गया और अब ये रोड भी मेरे द्वारा बनाई जा रही है. तो विकास के काम जैसे जैसे बजट आवंटन होता है, क्योंकि पैसों की आवश्यकता होती है हर किसी कार्य के लिए. भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पैसों की बौछार होती थी और उस बौछार के कारण से ये दोनों बड़े बड़े मार्ग लगभग 50-50 लाख की लागत से बने और आने वाले समय में हम लगभग 20 लाख रुपये की लागत से दानमल माथुर कॉलोनी की सड़कों का भी निर्माण कार्य का शिलान्यास शीघ्र ही करने वाले हैं.